आज जिस तरह बीजेपी सरकार आए दिन बीजेपी सरकार में मोदी सरकार में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। पहले 23 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में गया, अब कल 11 लाख विद्यार्थियों का पेपर लीक होने पर रद्द कर दिया गया, जिसके विरोध में आज युवा कांग्रेस ने अजमेर में विरोध प्रदर्शन करा, मोदी का पुतला फूका। और युवा कांग्रेस यही संदेश देना चाहती है कि जल्द युवाओं के हित के अंदर अगर फैसला नहीं लिया गया, जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में बच्चों का जो भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनके फीसें जो दे रहे हैं उन फीसों का नुकसान हो रहा है, अगर इस पर कोई अच्छा फायदा युवाओं के लिए नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आज जिस तरह बीजेपी सरकार आए दिन बीजेपी सरकार में मोदी सरकार में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। पहले 23 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में गया, अब कल 11 लाख विद्यार्थियों का पेपर लीक होने पर रद्द कर दिया गया, जिसके विरोध में आज युवा कांग्रेस ने अजमेर में विरोध प्रदर्शन करा, मोदी का पुतला फूका। और युवा कांग्रेस यही संदेश देना चाहती है कि जल्द युवाओं के हित के अंदर अगर फैसला नहीं लिया गया, जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों में बच्चों का जो भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनके फीसें जो दे रहे हैं उन फीसों का नुकसान हो रहा है, अगर इस पर कोई अच्छा फायदा युवाओं के लिए नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।